लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले आए चैनलों के एग्जिट पोल के चौंकाने वाले आंकड़ों ने अलग तरह की सियासी तस्वीर पेश की है। ज्यादातर चैनलों ने बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को खासी बढ़त के साथ बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए दिखाया है। वहीं एग्जिट पोल पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने कहा कि जिस देश में 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट किया, वहां कुछ हजार लोगों की राय को जनता का फैसला नहीं माना जा सकता। जिस देश के अंदर लगभग 60 करोड़ मतदाता ने वोट डाला हो, उसमें 22-24 हजार का सैंपल लेना और उस पे ये निश्चय करना कि कौन जीत रहा है और कितनी सीट आ रही है, मैं इसको सही माने में अगर आप साइंटिफिक तरीका भी देखें उसको सही नहीं मानता। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने एग्जिट पोल के आंकड़ों को खारिज करते हुए कहा कि तमाम एग्जिट पोल जनता की नब्ज पकड़ने में नाकाम रहे। What I'm saying, exit polls generally never tallied. लेफ्ट पार्टियों ने भी एग्जिट पोल के आंकड़ों पर सवाल उठाया है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा कि 23 मई को जनता के फैसले का पता चलेगा। एग्जिट पोल के आंकड़ों में बिहार में यूपीए को खासा नुकसान होता दिखाया गया है। आरजेडी ने एग्जिट पोल के नतीजों को बिल्कुल गलत बताया है। हमारे सामने बिहार का पिछला एग्जिट पोल 2015 का उपलब्ध है। कई दफा एग्जिट पोल के नतीजे में जो दिखता है ना, उसके ठीक उलट जो पार्टी जीतती दिखाई देती है ना, उसका एग्जिट प्लान तैयार हो जाता है। लोकतांत्रिक जनता दल पार्टी के नेता शरद यादव और डीएमके अध्यक्ष स्टालिन ने भी कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल के आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। एग्जिट पोल आ रहा है, ये इसका कोई मायने नहीं है। एक तरह से इस देश की का दुर्भाग्य है, हर चीज में नकल यूरोप और अमेरिका की करते हैं ये लोग। इस देश में किसी तरह का एग्जिट पोल हो ही नहीं सकता। लाखों जातियां हैं यहाँ, इतना अंतर विरोध है कि इनके कोई एग्जिट पोल का कोई मायने नहीं है। ना मैंने पहले कभी विश्वास किया, ना आज मैं कह रहा हूँ। आम आदमी पार्टी ने एग्जिट पोल के आंकड़ों को जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश बताते हुए सर्वे करने वाली एजेंसियों पर भी सवाल उठाए। कोई जवाबदेही नहीं है, कोई रॉ डेटा दिखाने के लिए तैयार नहीं है, कोई ये नहीं बताता कि किससे इन्होंने बात की। ये सब जो है ड्राइंग रूम में बैठ के बड़े बड़े लोग आकलन लगा के एक फिगर प्रोजेक्ट कर देते हैं। बहरहाल 23 मई को लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ जनता का फैसला सामने आएगा। जनता ने किस पर भरोसा जताया है और किसका साथ नहीं दिया, ये जानने के लिए बस चंद रोज और इंतजार कीजिए। दिल्ली से बिलाल सब्जवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।